फ्रेंड्स राधे राधे, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी जो हो रहे हैं मॉर्निंग के 6 बज रहे हैं और आज है दिन बुधवार और तारीख है 6 अक्टूबर है आज। तो आज का ब्लॉग मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट कर दिया है और ये देखिए मैं नहाकर आ गई हूँ। और फ्रेंड्स मैं आज उठी थी 4 बजे, झाड़ू और मतलब घर का जितना भी क्लीनिंग का काम होता है वो मैंने कर लिया है, बच्चे भी नहा लिए हैं और अभी चल रही हूँ किचन में। जो आज जान ही रहे हैं आप लोग कि आज पितृ विसर्जन है, तो उसी के लिए मैं जल्दी उठ गई हूँ ना, क्योंकि आज बहुत सारा काम है। और जैसा कि पितृ विसर्जन, आज खाना वाना बनेगा, फिर पितरों का विसर्जन होगा, फिर घर की मतलब जो घर है उसकी साफ़ सफाई होगी, क्योंकि कल से नवरात्रे स्टार्ट हो रहे हैं माता रानी का, तो आज तो सफाई होगा। फिर देखिए मार्केट में जाती हूँ कि नहीं जाती हूँ। और फ्रेंड्स वीडियो में आप आगे बने रहिएगा, फुल वॉच करिएगा। तो चलिए अभी चलते हैं किचन की तरफ। और आज अभी मैं 6 बजे ही किचन में जा रही हूँ क्योंकि जल्दी खाना बना लूँगी ना, तो मतलब कोई आ गया जैसे कि कोई भीख मांगने आता है ना, तो उसे खाना खिला दूँगी और जितना जल्दी हो जाएगा उतना जल्दी मैं फ्री भी हो जाऊँगी और घर की क्लीनिंग भी कर लूँगी, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा काम है। अभी आप देखिए टाइम कितना हो रहा है। अभी 6 बज रहा है और आज मैंने ये वाला सूट डाल लिया है, क्योंकि फ्रेंड्स साड़ी पहन लेती ना तो खाना तो मैं बना लेती, पर मैं जानते हैं कि जैसे क्लीनिंग नहीं कर पाती, और वैसे तो साड़ी पहनना चाहिए पर मैं साड़ी आज नहीं पहनी हूँ। तो सोच रही हूँ कि अभी चलती हूँ किचन में और चलिए आप लोग भी मेरे साथ किचन में। तो क्षमा भी आई है, क्षमा से भी मिल लीजिए। क्षमा ये देखिए क्षमा भी आई है और यहाँ पर मैं बैक कैमरे से दिखा रही हूँ आपको। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स खीर के लिए दूध हमने चढ़ा दिया है और चावल भी डाल दी हूँ ना, देखिए चावल भी डाल दिया है खीर के लिए और लो फ्लेम पे। तो अभी चलते हैं सब्जी कट कर लेते हैं, फिर सब्जी में तड़का लगाते हैं फ्रेंड्स। और आज मैं क्या बनाने जा रही हूँ तो आगे वीडियो में बने रहिएगा, मैं जो भी चीज़ बनाऊँगी ना उसकी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो आप उसे देखिएगा कि मैंने आज क्या क्या बनाया अपने पितरों के विसर्जन के दिन। कोई वीडियो दे देना 30 सेकंड तक ही बनाना। हेलो फ्रेंड्स राधे राधे, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी देखिए मैं प्याज कट कर रही हूँ और ये आलू और चने की सब्जी के लिए और थोड़ी सी कड़ी के लिए। और यहाँ पे अभी हस्बैंड गए थे ना बाल बनवाने और दाढ़ी, तो वो बाल दाढ़ी बनवा कर आ गए हैं। तो फ्रेंड्स अभी मैं अपने हस्बैंड की तैयारी कर रही हूँ गंगा घाट जाने के लिए, जैसे कि जो नहाएंगे वो कपड़े, और एक बोतल दे रही हूँ ना कि उसमें गंगा जल भर के लाएंगे, पूरे घर में छिड़काव करेंगे उसका, तो वही मैं पैक कर दे रही हूँ। और अभी ये जा रहे हैं और जब गेट के बाहर जाते हैं तो इन्हें याद आता है कि पंडित जी ने बोला था कि मिट्टी चाहिए कुछ काम होगा, तो मेरे घर में तो मिट्टी है नहीं, तो वही हस्बैंड गए हैं लेने मिट्टी। और वो छवि भी साथ में चली गई थी, तो दोनों लोग मिट्टी देखिए लेकर आ रहे हैं और वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है शायद घाट पर, तो अभी हस्बैंड चले जाएंगे। फिर मैं जाऊँगी किचन में अपना काम करने के लिए, क्योंकि वहाँ जाने पर घाट पर ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो पहले मैं इन्हें भेज दूँगी फिर किचन में जाऊँगी। और अभी सुबह के 6:30 ही हो रहे थे, ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा था। तो देखिए अभी हस्बैंड चले गए हैं और आपको कोहरा भी दिख रहा होगा, अभी बहुत ज़्यादा सुबह नहीं हुआ था। और यहाँ छवि पूछ रही थी कि मम्मी पापा किस लिए गए हैं, क्यों गए हैं, तो वही मैं उसे बता रही थी। और अभी छवि गेट बंद कर देती है, फिर मैं सीधे चली जाऊँगी किचन में। और यहाँ देखिए कढ़ाई मैंने चढ़ा दिया है और सिर्फ 2 चम्मच तेल मैंने डाला है, क्योंकि ज़्यादा तो तुरोई नहीं थी और मेरे घर में तुरोई की सब्ज़ी कोई नहीं पसंद करता है, पर चढ़ाना चाहिए इसलिए मैंने थोड़ा ही बनाया है। और थोड़ा थोड़ा सभी को मैं दे दूँगी 1-1 चम्मच, क्योंकि पितृ का सबसे प्रिय सब्जी तरोई ही होता है। और यहाँ देखिए कढ़ी के लिए पकौड़े तल लेती हूँ, ये सिर्फ बेसन है, मैंने बेसन नमक हल्दी और इसमें अजवाइन डाला है और इसे मैंने फेंट के फिर मैं अभी पकौड़े निकाल लेती हूँ। और यहाँ देखिए बड़े की तैयारी हो रही है, मैंने उड़द दाल को पीस लिया है और उसे फेंट रही हूँ ताकि जो बड़े हैं वो सॉफ्ट सॉफ्ट
फूले फूले बने। तो अभी देखिए बड़े भी फ्राई कर लेती हूँ और ये छमा फ्राई कर रही है। और फ्रेंड्स, छमा ने मेरी बहुत हेल्प की, उसके आ जाने से मुझे काफ़ी मतलब हेल्प मिल गई। और यहाँ देखिए बैटर में मैंने नमक, अजवाइन और हींग, ढेर सारा हींग डालूंगी। इसे ढेर सारा हींग डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। फिर मैं उसे मिक्स करके दे दूँगी ना, तो छमा इधर सारे जो बड़े हैं ना वो निकाल लेगी। और मैं अभी बड़ों को फिर से कढ़ाई में डाल दूँगी। तो ये साइज़ थोड़ा उससे बड़ा है, क्योंकि वो छोटे छोटे साइज़ के हैं ना, वो छत पे कौवा वगैरह सबको डालने के लिए, कुत्ते को, कौवे को, गाय को, तो इसीलिए वो छोटा छोटा मैंने बना लिया। और ये थोड़े साइज़ में बड़े हैं, क्योंकि घर में सब लोग खाएंगे। और फ्रेंड्स, इसमें हींग डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, आप ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसा आता है। और इधर देखिए फ्रेंड्स, बड़े जो हैं फ्राई हो गए हैं और ये बहुत सॉफ्ट बने थे, और जितना मैं डाल रही थी ना उसके दुगने ये हो जा रहे थे। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, सारे बड़े भी फ्राई हो गए हैं। अभी बारी है सब्जी, आलू चने की सब्जी मतलब बनाने की। तो अभी देखिए कुकर जो है, वो कुकर को मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। और इस कढ़ाई में ना कढ़ी बनेगी, तो तेल गर्म होने पर कड़ी पत्ता, ज़्यादा नहीं, दो डंठल कड़ी पत्ता सिर्फ डाला है। और फिर इसमें हम जीरा डालकर ब्राउन होने के लिए छोड़ देंगे। और चने की सब्जी के लिए इसमें मैंने कुकर जो है वो गर्म हो जाने के बाद इसमें मैंने तेल डाला है। इसमें तेल थोड़ा ज़्यादा लगेगा, क्योंकि क्वांटिटी सब्जी की ज़्यादा है। और यहाँ कढ़ी में अदरक और लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाल देती हूँ। और चने की सब्जी के लिए मैंने जीरा और थोड़ा सा बस अजवाइन लिया है वो डाला है। और फिर प्याज डाल दूँगी इसमें। जब प्याज अच्छी तरीके से भुन जाएगी, पूरी मतलब पूरी तरीके से नहीं, अभी थोड़ी सी खड़ी ही रहेगी, तभी इसमें हम चना और आलू डाल देंगे। और कढ़ी के लिए इसमें मैंने हल्दी डाल दिया, गरम मसाला, ये सभी सूखे मसाले डाल के थोड़ा सा पानी डाल के इसे भून लूँगी। और जब मसाले भून जाएंगे अच्छी तरीके से, तेल छोड़ देंगे, तो इसमें जो है बेसन का घोल, पतला सा घोल बना के उसे डाल देना रहता है। और लगातार चलाते हुए इसे हम पका लेंगे। और इधर देखिए फ्रेंड्स, कढ़ी जो है वो खूब बहुत अच्छे से उबल गई है। इसमें पकौड़ों को जो है ना प्रेस करके डाल के फिर नमक डाल दूँगी, और कढ़ी जो है वो बन के रेडी हो गई है अब। और इधर प्याज भी जो है सॉफ्ट हो गए हैं, तो अभी आलू और चना डाल दूँगी, फिर नमक, हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च, ये सब डाल दूँगी इसमें। और इसे थोड़ी देर 10-15 मिनट तक ऐसे ही भूनूँगी, सिर्फ केवल कवर करके कुकर के ढक्कन से। और थोड़ा सा पानी ले लूँगी, क्योंकि जो सब्ज़ी है ना वो तली में ना लगे, तो इसे भूनने के लिए रख देती हूँ। फिर मैं आटा लगा लेती हूँ। और इधर देखिए खीर जो है पक गई है। अब इसमें मैं चीनी और इलायची के दाने ऐसे ही डाल दूँगी, इलायची पाउडर नहीं डालूँगी। और फिर 5 मिनट और पका लूँगी। चीनी जो है उसका पानी जब जल जाएगा तो खीर बनके रेडी है। और इधर देखिए सब्जी भी जो है आलू चने की भून गई है, तो इसमें मैंने गरम मसाला 1.5 चम्मच डाल दिया है। और जितना क्वांटिटी आप पानी डालना चाहते हो, जैसे आपके घर में मेम्बर है उस हिसाब से डाल सकते हैं आप। तो मैंने अभी देखिए सीटी लगा दी है सब्जी की। और यहाँ हम लोग पूड़ियाँ तलने की तैयारी कर रहे हैं, तो छमा ही पूड़ियाँ तलेगी, क्योंकि वो बोल रही थी कि दी मैं तल रही हूँ और तुम बेल दो। तो मैं वही लोई बना के बेल रही हूँ और छमा जो है वो फ्राई कर रही है। और सारा खाना जो है पितरों का, वो सारा खाना बन गया है। यहाँ देखिए किचन में अब मैं आपको दिखाती हूँ कि सब्जी जो है कैसी बनी है। बहुत टेस्टी बनी थी फ्रेंड्स, आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। और आज का जो हमारा लंच था, पितरों का जो खाना था, बहुत ही टेस्टी बना था। बोला जाता है अलग ही स्वाद आ जाता है इस खाने में। फिर हस्बैंड भी आ गए थे घाट से, तो अभी देखिए पितरों के लिए थाली लगा दे रही हूँ, जैसे कि छत पे रखती हूँ, पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और बीच में। तो 5 प्लेट ऊपर के लिए, एक कुत्ते के लिए लगा दूँगी, एक गाय के लिए लगा दूँगी और एक कौवे के लिए लगा दूँगी। तो देखिए अभी पूड़ी, बड़े, कढ़ी और तरोई की सब्ज़ी, जितना मतलब घर में खाना बना है ना, वो सारा खाना मैं इसमें लगा दूँगी। और फिर हस्बैंड लेकर चले जाएंगे इसे रखने के लिए। अभी मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि हस्बैंड कैसे रखते हैं आचमनी करते हुए। तो सारा प्लेट जो है वो तैयार हो गया है, और लास्ट में इन्होंने खीर थोड़ा थोड़ा सभी में डाल दिया है। और पहले ये छत पे लेके जाएंगे, छत के सारे कोने में जो है रख देंगे, मतलब चारों कोने में और बीच में भी। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं जो वीडियो अपलोड करूँगी उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और प्लीज़ फ्रेंड सपोर्ट करिए हमें। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, अभी जो है हस्बैंड चारों तरफ जो है खानों को रख दिए हैं। हमारे यहाँ जो है ना फ्रेंड्स, ऐसे ही होता है, आपके यहाँ कैसा होता है मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो अभी हस्बैंड जा रहे हैं गऊ माता को डालने के लिए, और यहाँ पे ना डॉगी आता है, उसके लिए हमने रख दिया है। तो ब्लॉग यहीं तक था।
बाय बाय फ्रेंड्स।